स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ये लोग मिलने आए थे और मिलने के क्रम में एक लड़का ने खुद को कनपट्टी में गोली चला ली। खुद को चला, लेकिन एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हैं? एविडेंस ऑब्वियसली FSL की टीम यहाँ विजिट कर रही है और FSL की टीम के द्वारा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस के लिए एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। पिस्टल्स घटनास्थल पर मौजूद है, उसकी भी जाँच कराई जाएगी। देन आफ्टर हम लोग ये निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि कैसे। फिंगरप्रिंटर को भी बुलाएं? ऑब्वियसली FSL की पूरी टीम आ रही है, तो जो भी संभावित साक्ष्य हैं उन्हें बिल्कुल हम लोग इकट्ठा करेंगे और फिर फाइनली जो लड़के इनके साथ थे उनकी पहचान हो। क्योंकि अभी FSL की टीम पहुंची नहीं है, तो हम लोगों ने वेट किया है और शायद उनके पॉकेट्स में कुछ उनके आइडेंटिटी के रिलेटेड कुछ पेपर्स हों या मोबाइल्स हों, तो ऑन दैट बेसिस हम लोग मृतक की भी पहचान करेंगे और उनके परिजन को भी खबर करेंगे। वेरी थैंक्स। एसके पुरी क्षेत्र में घटना हुई है अभी, तो अभी प्राइमा फेसी तो हम लोग यही कहेंगे कि ये पहली नज़र में सुसाइड का मामला लगता है और सुसाइड के पीछे कारण क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक लग रहा है कि शायद किसी लड़के लड़की के बीच का संबंध है जिसके चक्कर में सुसाइड किया गया है। FSL की टीम बुलाई गई है, वहाँ पर पिस्टल भी नहीं है और मृतक का भी हम लोग FSL की टीम बुला के घटना का एग्जामिन कराने का पोस्टमार्टम करवाएंगे। मृतक के बारे में कोई पहचान अभी नहीं हो पाई है? अभी पहचान नहीं हो पाई। सीसीटीवी वगैरह वहाँ पर घटना स्थल पर तो फुटेज नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति जिन साक्ष्य है वहाँ से ये स्पष्ट होता है कि सुसाइड कमेटेड।